रघु, क्या बात है? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ। अरे जरूरी बात थी तो घर पे भी कर सकते थे, उसके लिए इतनी दूर ऑफिस आने की क्या जरूरत थी तुझे? जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ शाम, वो घर पर नहीं हो सकती थी। अच्छा बता क्या बात है। शाम, नंदिनी जिंदा है। क्या नंदिनी भाभी जिंदा है? हाँ श्याम, वो जिंदा है। लेकिन सुनकर हैरानी हुई ना तुझे? हाँ, वो जब मैंने भी उसे पहली बार देखा तो मैं हैरान हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन तूने उन्हें देखा कहाँ? कहाँ मिली वो? सरकारी पागलखाने में। तुझे किसने बताया कि वो वहां है? किसी ने नहीं। उस दिन जब मैं और शारदा पागलखाने में वस्त्रदान करने गए थे तो वहां मैंने उसकी एक झलक देखी थी। मैंने वहम समझकर उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब कोयना ने मुझे बताया कि एक औरत है जो कोयना कहकर उसकी दोस्त से लिपट गई थी तो मुझे यकीन हो गया और मैं पागलखाने चला गया। और तुझे वहां भाभी मिल गई? हाँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, एक्चुअली यूकी सर अपने कैबिन में नहीं है, तो प्लीज आप इस चेकबुक पर साइन कर दीजिए। ये लो। थैंक यू सर। हाँ तो फिर क्या हुआ? तू क्या कर रहा था? पहले मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिली। बाद में जब मैं लौटने लगा तो मैंने उसे देखा, उसने भी मुझे देखा और फिर रघु रघु चिल्लाकर वो मेरी तरफ भागी लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं सकी। रघु, मुझे भाभी से मिलना है। यही समस्या है श्याम, क्या कहकर मिलेंगे उससे और फिर क्या वो हमें आसानी से वापस आने देगी? मुझे उससे मतलब नहीं है, वो हमें वापस आने दे या नहीं दे, मुझे उनसे मिलना है। बस एक बार मुझे उनसे मिलना है। मैं उन्हें देखना चाहता हूं रखो, नजदीक से ना सही दूर से ही सही, बस एक बार।